मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामदास यादव वॉन्स अगेन बिफोर यू और विद टॉपिक साइटोप्लाज्म फ्रॉम चैप्टर द सेल सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड 9। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मीन्स व्हाट इज साइटोप्लाज्म, वेयर इट इज फाउंड एंड अदर। मीन्स देखिए स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म की हिंदी होती है कोशिका द्रव्य। देखिए द साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सबस्टेंस और विस्कस फ्लूइड, और सेमी सॉलिड फ्लूइड फाउंड इनसाइड द सेल। जो कोशिका द्रव्य होता है वह सेमी सॉलिड और तरल पदार्थ होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। इन विच वेरियस सेल ऑर्गेन्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर सभी कोशिकांग जो है बिखरे पड़े होते हैं, एक्सेप्ट वैक्यूम कॉन्टेक्ट। जो वैक्यूम में होता है, वैक्यूम क्या होती है, वैक्यूम कॉन्टेक्ट जो होते हैं, वैक्यूम के अंदर एकता के जो पदार्थ आते हैं वो उससे अलग होता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इन टू, साइटोप्लाज्म देखिए एक टर्म है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है जीव द्रव्य होता है। मीन्स द होल प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए स्टूडेंट, जो साइटोप्लाज्म होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मीन्स ये देखिए, यह है सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यह जो बीच का भाग है यह है साइटोप्लाज्म और यह इनसाइड जो है न्यूक्लियस के, यह है न्यूक्लियोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म में के अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूम ये सब बिखरे पड़े होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, केंद्र द्रव्य होता है और ये दोनों कंबाइंड क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होते हैं। देखिए इसमें जो है साइटोप्लाज्म में जो है 90% जो है वाटर होता है, 90% वाटर, 7% जो है प्रोटीन एंड 2% कार्बोहाइड्रेट
and carbohydrates and lipids. And 1% waste gas होता है inorganic minerals. Yes. Okay, students, all the metabolic activities of the cell are run inside the cytoplasm. जितनी भी जो क्रियाएं हैं, reactions हैं, वह साइटोप्लाज्म में होती है. मीन साइटोप्लाज्म इज द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस. जो साइटोप्लाज्म है वह विभिन्न जो क्रियाएं हैं वह उसके लिए क्या है, प्लेस है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अब देखिए सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइड द सेल. Cell organelles found inside the cell. देखिए cell organelles found inside the cell. देखिए double membrane organelles होते हैं, double membranous cell organelles. कौन कौन है? डबल मेम्ब्रेन्स है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया, देखिए सिंगल मेम्ब्रेन्स क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन्स सिंगल मेम्ब्रेनस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम या ईयर बोलते हैं, बैक्यूल्स, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और स्टूडेंट्स जो विदाउट मेम्ब्रेन है, विदाउट मेम्ब्रेन क्या है, राइबोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स, ओके, और सेंट्रियोल. ओके स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज
ER is a thing channel inside the साइटोप्लाज्म। यह साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, चैनल होता है विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। One end of ER is joined with the nuclear membrane and another end of another end joined in the suspended in the cytoplasm or joined with plasma membrane. Plasma. देखिए स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यस साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर चैनल्स बनाते हैं और यह सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इसका एक सिरा जो है केंद्रक कला से जुड़ा होता है और दूसरा साइटोप्लाज्म में खुला रहता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका कला से जुड़ा होता है। अब देखिए यह दो प्रकार की होती है, कौन कौन, यस ई आर, यस ई आर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, यह जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जुड़ी होती है लेकिन इसका इस पर जो है राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स इट्स सरफेस बिकम्स स्मूथ इट सिंथेसाइज synthesized lipids which help in the biosynthesis of plasma membrane. देखिए इसका फंक्शन क्या है, इस पर जो है राइबोसोम इसके सरफेस पर नहीं होता है इसलिए इसका सरफेस क्या होता है, स्मूथ दिखता है, ग्रेनी नहीं दिखता है और लिपिड का सिंथेसिस करते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में फर्दर आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस इसकी सहायता से होती है और ड्यूरिंग सेल्फ डिवीजन यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी सिंथेसिस करता है।
इसके सहायता से। अब सेकेंड वाले स्टूडेंट्स आरिया, आरिया क्या है? रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस इट्स अपीयरेंस बिकम्स ग्रेनी, ग्रेनी या रफली। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह जो है इट इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ओके स्टूडेंट्स। तो यह जो है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। और यह जो है देखिए इसका फंक्शन स्टूडेंट्स जो है क्या है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह सेल को सपोर्टिव मैकेनिकल यांत्रिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है और कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, नहीं तो साइटोप्लाज्म में उसका एक एंड खुला रहता है। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में सहायता करती है क्योंकि यह जो सीआर है यह लिपिड संश्लेषित करती है। और यहाँ आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और जो कंपोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वह किसका होता है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। अब यह जो है स्टूडेंट्स ओके इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम और क्वेरी देन यू कैन कंसल्ट। थैंक यू वेरी मच।